रुटियाई कस्बे में मनचलों की पिटाई कर दी नाबालिग छात्राओं ने। कई दिनों से परेशान हो रही थी ये नाबालिग बालिकाएं। हदें पार करने पर मनचलों की डंडों से की पिटाई। पूरा मामला ये कि रुटियाई कस्बे के एक निजी स्कूल में कुछ नाबालिग छात्राएं पढ़ने आया करती हैं। उसी क्षेत्र के कुछ मनचले अक्सर फप्तियां कसते थे और पीछा किया करते। इसी बात की शिकायत छात्राओं ने कई बार स्कूल प्रबंधन से भी की और अपने माता पिता से भी की। स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं की बात को हल्के में लिया और कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चियों के माता पिता ने भी जब उन मंचलों को समझाया तो लड़कों ने यह कहकर बात को रफा दफा कर दिया कि यह आम रास्ता है और इस पर हम हमेशा गुजरते हैं, आपकी लड़कियों को हम परेशान नहीं करते। वहीं जब बच्चियां सुबह स्कूल जा रही थी तो लड़कों ने उनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी, साथ ही साथ अश्लील हरकतें भी करने की कोशिश की, जिस पर छात्राओं ने अपने परिजनों को इस बारे में सूचना के बाद दो युवकों को छात्राओं ने पकड़कर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। इतना सब होने के बाद मामला पुलिस में पहुंचा, जहां थाने में 354, 341, 294, 506, 34, 78 एवं अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश अभी जारी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि सभी लड़के बालिग हैं। और इसका लड़का तो नहीं था, इसका हां था, उसको ही पकड़ के ले गए। वो भी था हां, अभी से एक अलावा उसको भी ले गए, उसको भी पुलिस पकड़ के ले गई अभी। वो पिटा बहुत। हां तो जी 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 जी, ये लोग रियली छेड़छाड़ गाली करते हैं, रोज आते हैं, रोज पीछे पीछे आते हैं हमारे अंदर से सेठे आसपास से गाली निकाल के ले गए, गाली दी हमको। अच्छा, स्कूल से वापस लौट के आए हम लोग, स्कूल में नहीं गए अभी तक। तुम लोग गाली भी दी? हाँ, गाली दी लड़कों ने, बहुत गंदी गाली। तब तक कभी तो सुनी।